तो अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त होने के मामले पर कांग्रेस अब लोकतंत्र बचाओ जन जागरण अभियान निकालेगी, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। रांची में पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन से भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की गई है। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल, लोकतंत्र बचाओ जन जागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। रांची में कांग्रेस की अहम बैठक में राज्य भर में लोकतंत्र बचाओ जन जागरण अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। यहाँ संकल्प लिया गया है कि एक लोगों के बीच में लोकतंत्र बचाओ जन जागरण का अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जितने भी गणमान्य नेतागण हैं, वो हर जिलों में, हर प्रखंड में, मंडलों में जाकर राहुल जी की इस आवाज को, संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए आने वाले समय में इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाकर और उनका भी समर्थन हासिल करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी का विरोध करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण दिया था, लेकिन केस गुजरात में किया गया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि मामले में कोर्ट से स्टे मिलने के बाद फिर से केस खुलवाया गया। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में अब तक ऐसी सजा कभी नहीं हुई है। वहीं 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को भी निरस्त कर दिया गया। जब माननीय कोर्ट ने कह दिया कि इस पे कोई केस नहीं बनता, तो वही पिटिशनर हाई कोर्ट में जाकर अपने ही केस पर स्टे ला लेता है और मात्र राहुल जी का भाषण जिस दिन हुआ उसके 9 दिन के अंदर ही हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट उसको स्टे भी दे देता है। उसके बाद में हाईकोर्ट के सामने जाकर अपने स्टे को वेकेट करा लेता है और हाईकोर्ट स्टे भी वेकेट कर देती है और फिर आकर कोर्ट के सामने उस अर्जी को न्यायपूर्ण तरीके से उसके ऊपर सुनवाई करने की गुहार करता है कि इस केस में कभी भी, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, इस केस में कभी भी वार्निंग या एक सांकेतिक सजा सुनाई जाती है, लेकिन माननीय कोर्ट ने इसमें 2 साल की सजा, जिससे कि उनकी सदस्यता रद्द हो और 24 घंटे के अंदर मात्र लोकसभा में उनकी मेंबरशिप से उन्हें बर्खास्त किया जाता है। रांची में आयोजित कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के अलावा कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री और पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। बैठक में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी की रणनीति पर मंथन किया गया। वहीं अविनाश पांडे ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात हुई है। उन्होंने अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ के मामले पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और एक बार फिर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय लाल जी जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, अविनाश पांडे आज कह सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला किए हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी की बर्खास्तगी जो संसद से उनकी निरस्त की गई है सदस्यता, वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, जबकि बीजेपी के नेता, तमाम नेता कह रहे हैं ये तो कानूनी प्रक्रिया है, आप कानून से ऊपर नहीं है। अजय जी, नेता है राहुल गांधी के साथ, जो कुछ हुआ इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। खुद कांग्रेस के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हुई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी जल्दीबाजी आखिर कैसे हो गई। और आज तो यह भी कहा गया कि 24 अप्रैल तक राहुल गांधी को दिल्ली में जो उनका आवास है उसे खाली कर देने का आदेश है, यानी कि वो आवास भी खाली कर देने का उन्हें एक प्रकार से फरमान मिला है। और दूसरी बात यह है कि
जो न्याय का न्यायपालिका का जो फैसला आया था राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई करने के मामले में, उसके 24 घंटे के भीतर लोकसभा से यह पत्र निकल जाता है कि आप डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर पूरे मुद्दे को लेकर किसके इशारे पर, किसकी हरी झंडी के बाद इतनी सक्रियता दिखाई गई कि अदालत का फैसला यदि आता है तो उसकी कॉपी जाने में भी मुझे लगता है कि 20 से 22 घंटे का वक्त लगता है। वो चिट्ठी वहां पर एक्सेप्ट होती है, वहां मुहर लगती है, लोकसभा सचिवालय हो या फिर विधानसभा सचिवालय, और उसके बाद पत्र जारी हो। अब तक जो मेरे जानकारी में रहा है कि जो जो सांसद डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद, तो 3-4-5 दिनों का वक्त लग ही जाता है। लेकिन इस मामले में इतनी ज्यादा तत्परता हुई कि उंगली ये उठ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के इशारे पर ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। कौन सही है, कहां तक सही है, इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं, ये कांग्रेस के लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उनको पूरा अधिकार है अपने नेता के खिलाफ हुए फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का। और उसी के तहत हमने देखा कि दिल्ली में भी आज भारत में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता काले कपड़े पहनकर जुलूस निकाल रहे थे पूरी तरह से दिल्ली की सड़कों पर। और टीएमसी पश्चिम बंगाल में जो मुख्य पार्टी है, सत्ताधारी दल, वह भी कांग्रेस के साथ इस विद्रोह प्रदर्शन में नजर आई। तो कम से कम देखिए, राजनीति में यह कहा जाता है, जो राजनीति के जानकार व्यक्ति है वो यही वही कहते हैं, अक्सर ये कहते हुए आपने सुना होगा कि बुद्धिमान पॉलिटिशियन वही है जो आपदा में अवसर खोज ले, अन्यथा आप यदि किसी चीज को भुना नहीं पाते हैं तो आपको पॉलिटिक्स करने का अधिकार नहीं है। आपको मैं एक वाक्या बता दूं, मुझे ईसवी याद नहीं है, इंदिरा गांधी के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। उन्हें दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये दिखाया था बाद में कि आपको हरियाणा में अरेस्ट किए गए। उस वक्त इंदिरा गांधी ने तमाम मीडिया के सामने ये कहा था कि जब मेरी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है तो उसका गिरफ्तारी हरियाणा कैसे दिखाया जाएगा और मुझे दिल्ली में ही वहां की पुलिस रखे। और उस वक्त इंदिरा गांधी ने ये पूरे के पूरे दृश्य को, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको कैसे इनकैश करना है राजनीति में, उसको किया था। मुझे लगता है कि जो हो गया, चाहे किसके इशारे पर हुआ, ये बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हुआ है, कांग्रेस अब यदि चाहे तो बुद्धिमानी के साथ पूरी तरह से पूरे मुद्दे को इनकैश कर सकती है पॉलिटिक्स के रूप में। और आपको याद होगा कि कई बार इसी संसद में, उस वक्त शायद प्रधानमंत्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, पूरा का पूरा विपक्ष ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। और उस वक्त 2 साल पहले चुनाव कराए गए थे लोकसभा का। क्या कांग्रेस इस दिशा में सोच सकती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहीं से किसी को भड़काने की मेरी मंशा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता, ठीक है, विरोध प्रदर्शन वो करें, उनका अधिकार है, लेकिन इस जो संकट आया है राहुल गांधी के सामने कि सदस्यता उनकी खत्म गई, इस अवसर को कैसे हम जीवित रखें? मुद्दा को यदि भारतीय जनता पार्टी के सामने, इस मुद्दा को कांग्रेस ने 2024 के अप्रैल मई तक जीवित रखा, तो आप समझिए कि कांग्रेस बहुत कुछ गेन कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी बोलने का अधिकार है कि काले कपड़ों में जादू हो रहा है देश की राजनीति पर। कल हमने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को ना न्यायपालिका पर भरोसा है, ना संसद पर, ना कानून पर। बेशक राजनीति दोनों तरफ से गर्म है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस को चाहिए कि इस मुद्दे को, ये पूरे टॉपिक को इस प्रकार से इनकैश करें, मुद्दा को ये मरने ना दे। यदि ये मुद्दा ठंडा पड़ गया,
तो फिर कांग्रेस कुछ गेम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बेहतर ये होगा, आपने बिल्कुल सही कहा अजय जी कि आपदा आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अक्सर ढूंढ लेते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई भी कमेंट हो, कोई भी विपक्ष के तरफ बयान आए, लेकिन वो उस तरीके से भुना देते हैं कि लोगों को भी लगता है कि नहीं ये वाकई में सही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अब उनके पास अवसर है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके आए हैं, तो उनके पास समय भी है और उनके पास ये भी मौका है कि उच्च न्यायालय जाएं और इसके खिलाफ अपील करें। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया अजय जी। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।